नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्टडी सर जी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी की कक्षा सातवीं की हिंदी पाठ्य पूरक पुस्तक बाल महाभारत कथा के नौवें अध्याय द्रोणाचार्य के प्रश्न उत्तरों को पढ़ेंगे। इस वीडियो के अंत में आप सभी से एक प्रश्न पूछा जाएगा, जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। इस पाठ का सबसे पहला प्रश्न है, द्रोणाचार्य कौन थे? तो इसका उत्तर लिखेंगे, द्रोणाचार्य महर्षि भरद्वाज के पुत्र थे। पाठ का अगला प्रश्न है, आचार्य द्रोण का विवाह किसके साथ हुआ और उनके पुत्र का क्या नाम था? तो इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, आचार्य द्रोण का विवाह कृपाचार्य की बहन से हुआ और उनके पुत्र का नाम अश्वत्थामा था। पाठ का अगला प्रश्न है, द्रुपद कौन थे और वह कहाँ शिक्षा पा रहे थे? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, द्रुपद पांचाल नरेश के पुत्र थे और वह द्रोण के साथ ही भरद्वाज आश्रम में शिक्षा पा रहे थे। आइए पाठ के अगले प्रश्न को देखते हैं। पाठ का अगला प्रश्न है, राजकुमार द्रुपद बचपन के दिनों में द्रोण से क्या कहा करते थे? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, राजकुमार द्रुपद बचपन के दिनों में उत्साह में आकर द्रोण से कहा करते थे कि पांचाल देश का राजा बन जाने पर वह आधा राज्य द्रोण को दे देंगे। पाठ का अगला प्रश्न है, द्रोण परशुराम के पास क्यों गए? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, द्रोण परशुराम के पास इसलिए गए क्योंकि उन्हें खबर लगी कि परशुराम अपनी सारी संपत्ति गरीब ब्राह्मणों को बांट रहे हैं। पाठ का अगला प्रश्न है, क्या आशा लेकर द्रोणाचार्य राजा द्रुपद के पास गए? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, द्रोणाचार्य को गुरु के आश्रम में द्रुपद की लड़कपन में की गई बातें याद थी। उन्होंने सोचा, यदि आधा राज्य नहीं भी देगा तो कम से कम कुछ धन तो जरूर देगा। इसी आशा से वह राजा द्रुपद के पास गए। आइए पाठ का अगला प्रश्न देखते हैं, राजा द्रुपद को द्रोण से मिलकर कैसा लगा? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, राजा द्रुपद को द्रोणाचार्य का आना बुरा लगा और द्रोण का अपने साथ मित्र का सा व्यवहार करना तो और भी अखरा। पाठ का अगला प्रश्न है, द्रुपद के कठोर वचनों को सुनकर द्रोण ने क्या निश्चय किया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, द्रुपद के कठोर वचनों को सुनकर द्रोण ने निश्चय किया कि वह अभिमानी द्रुपद को सबक सिखाएंगे और बचपन में जो मित्रता की बात हुई थी उसे पूरा करके चैन लेंगे। पाठ का अगला प्रश्न है, युधिष्ठिर की अंगूठी कुएं में कैसे गिर गई? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, युधिष्ठिर कुएं से गेंद को निकालने का प्रयत्न करने लगे तो उनकी अंगूठी भी कुएं में गिर गई। पाठ का अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्य ने किस प्रकार गेंद कुएं से निकाली? तो इस प्रश्न का उत्तर है, द्रोणाचार्य ने पास में पड़ी हुई सींक उठा ली और उसे पानी में फेंका। सींक गेंद को ऐसे जाकर लगी जैसे तीर, और फिर इस तरह लगातार कई सींकें वे कुएं में डालते गए। सींकें एक दूसरे के सिरे से चिपकती गई।
जब आखिरी सीख का सिरा कुएं के बाहर तक पहुंच गया तो द्रोणाचार्य ने उसे पकड़कर खींच लिया और गेंद निकल गई। पाठ का अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्य ने राजकुमारों से गुरु दक्षिणा में क्या मांगा? तो इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, द्रोणाचार्य ने उनसे गुरु दक्षिणा के रूप में पांचाल राज द्रुपद को कैद कर लाने के लिए कहा। आइए पाठ का अगला प्रश्न करते हैं, द्रोण से अपने अपमान का बदला लेने के लिए द्रुपद ने क्या किया? तो इस प्रश्न का उत्तर है, उसने कई कठोर व्रत और तप इस कामना से किए कि उसे एक ऐसा पुत्र हो जो द्रोण को मार सके, साथ ही एक ऐसी कन्या हो जो अर्जुन को ब्याही जा सके। पाठ का अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्य की मृत्यु किसके हाथों हुई? तो इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, कुरुक्षेत्र के रणभूमि में अजेय द्रोणाचार्य की मृत्यु धृष्टद्युम्न के हाथों हुई। आइए पाठ का अगला प्रश्न करते हैं, द्रुपद की पुत्री का क्या नाम था? इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने नाम और अपने शहर के नाम के साथ दे सकते हैं। सही और जल्दी उत्तर देने वाले अभ्यर्थी का नाम हम अपने आने वाली वीडियो में डिस्प्ले करेंगे। तो इस प्रकार द्रोणाचार्य इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को हमने पढ़ लिया है। आशा करता हूँ आप सभी को यह वीडियो पसंद आएगी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।